Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ramadan reminders, and here I am with another reminder from Quran al-Hakim. In Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says that Allah, He loves those who repent over and over again. Allah un logon se muhabbat karta hai, unko pasand karta hai jo baar baar maghfirat talab karte hain. अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है. व्हाट अ बिग बिग स्टेटमेंट. इस चीज़ को जो माफ़ करना है, फॉरगिवनेस है एंड फॉरगेटिंग ऑल दैट, इसको अगर हम अपनी ज़िंदगी में शामिल करें और इसको सोचने की कोशिश करें कि हम इस हवाले से लोगों को कितना माफ़ करते हैं और किस तरह से हम उन लोगों का रवैया हमारे साथ होता है व्हेन इट कम्स टू अस. हमें छोटी छोटी बात लोगों की इतनी बड़ी लग रही होती है और उसके ऊपर हम इतना फस क्रिएट करते हैं और इतनी घर में हंगामा, अपने कामों पे हंगामा और इस कदर एक जिसे कहते हैं ना टेंशन क्रिएट कर देते हैं उन चीज़ों के ऊपर जो हम लोगों को बहुत बॉदर कर रही होती हैं. नाउ वी इफ़ और अल्लाह सुभाना व ताला की बारगाह में जब हम चाहते हैं, जब हम अल्लाह की बारगाह की तरफ रुख करते हैं तो हमारी ये हम दुआएं कर रहे होते हैं कि हमारी बड़ी से बड़ी बात और बड़ा सा बड़ा गुनाह जो है वो अल्लाह की बारगाह में ख़त्म हो जाए. व्हाट काइंड ऑफ हिपोक्रेसी और हिपोक्रेटिक यू नो बिहेवियर इट इज़ कि जब अपने ऊपर बात आए तो आपको छोटी छोटी बात, आपको मैं तो अब इसको भूल ही नहीं सकती इस बात को और मैं तो इसको माफ़ ही नहीं करूँगी एंड आई कैन नेवर फॉरगिव दैट पर्सन एक्स वाई जी एंड गो ऑन द लिस्ट गोज ऑन एंड द स्टेटमेंट्स गोज ऑन. बट वेन इट कम्स टू आर ओन सिन, वेन इट कम्स टू आर ओन डीड्स एंड यू नो ऑल दोज प्रॉब्लम्स दैट वी डू हैव, हम उसके ऊपर अल्लाह से चाहते हैं. और एक बहुत ही खूबसूरत हदीस है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके गुनाहों को माफ़ कर दिया जाए, आपको माफ़ कर दिया जाए, तो वो लोग जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में आपका दिल दुखाया है, आपके साथ बुरा किया है, आपकी दिल आज़ारी की है, आपको ईज़ा पहुँचाई है, आप भी उन लोगों को दरगुजर करें, माफ़ कर दें. सो द क्वेश्चन हियर इज़, आर वी रेडी to forgive those people and also forget. जब हम हमारे साथ हमें कोई धोखा देता है या हमें कोई हमारे साथ कुछ बुरा करता है, हमें कोई ऐसी बात कहता है, तो हम अपने जहन में उन लोगों की वजह से या उन लोगों के लिए इस कदर एक वो बना लेते हैं ना, एक ऐसा शेल सा के बीच में हम अपने आप को रख लेते हैं कि अब इन लोगों से तो मैंने बात ही नहीं करनी. एंड इवन इफ़ दे कम, इवन इफ़ दे अपोलोजाइज, यू डोंट वांट टू सिट इन दैट रूम, यू डोंट वांट टू बी विद देम, यू डोंट इवन वांट टू सी देयर फेसेस, इवन इफ़ दे आर योर ओन ब्रदर एंड सिस्टर, हम नहीं देखने चाहते उन लोगों के मुँह. मगर अल्लाह सुबहान व ताला क्या कह रहा है इस आयत में, व्हेन ही सेज इन कुरान दैट अल्लाह लव्स दोज हु रिपेंट ओवर एंड ओवर, ओवर एंड ओवर अगेन. यानी एक दफ़ा कोई गलती करता है तो आपको शायद इस बात का डीप डाउन इनसाइड पता हो कि शायद ये मुझे दोबारा से धोखा दे देगा या मुझे दोबारा से कोई दुख वाली बात करेगा, मगर उसके बावजूद उससे मोहब्बत करना, ये अल्लाह सुभान व तआला करता है. ये सिफ्त है अल्लाह की कि वो आपको माफ़ करता है, ना सिर्फ माफ़ करता है बल्कि आपसे मोहब्बत करता है, मोहब्बत का इजहार करता है. अगेन अनदर क्वेश्चन, कैन वी लव दोज पीपल हु ब्रेक आर हार्ट्स, कैन वी फॉरगिव दोज पीपल हु से थिंग्स दैट हर्ट अस, कैन वी फॉरगिव एंड फॉरगेट एंड हैव दोज यू नो हैव दैट लव रिलेशनशिप विद सच पीपल हु आर एक्चुअली have been teasing us. अगर तो हम ये कर सकते हैं तो हमें ये इख्तियार है, हमें ये हक हासिल है कि हम अपने आप को अल्लाह का बंदा कह सकें. लेकिन अगर नहीं तो हम किस हक से अल्लाह सुबहान व ताला से माफ़ी तलब करते हैं और चाहते हैं कि वो हमें माफ़ कर दे. वी ऑल नीड टू नो. अच्छा, एक और चीज़ जो अक्सर कही जाती है ना, वो ये कही जाती है कि वो बंदा तो मेरी माफ़ी डिज़र्व ही नहीं करता. एंड यू नो अगर हम असल डेफिनेशन ऑफ फॉरगिवनेस की तरफ जाएं,
तो दरअसल जो आपसे माफ़ी डिज़र्व नहीं करता, यानी आपकी इस कदर उसने दिल आज़ारी की होती है और इस कदर आपका दिल दुखाया होता है, वो शख्स जो डिज़र्व नहीं करता, दर हकीकत उसी को माफ़ करना जो है वो फॉरगिवनेस है। बिकॉज़ हम अपने गुनाहों की तरफ नज़र डालें, हम अपनी चीज़ों की तरफ नज़र डालें, तो क्या हम इस काबिल हैं कि हम अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ करे? नो। सो सिमिलरली वी नीड टू फॉरगिव पीपल एंड नॉट ओनली फॉरगिव बट ऑल्सो फॉरगेट ऑल व्हाट दे हैव सेड, ऑल व्हाट दे हैव डन एंड ऑल हाउ दे हैव हर्ट यू। सो वंस वी विल फॉरगिव दोज पीपल and we will forget inshallah, similarly this is how Allah will forgive us and also forget all our bad deeds and all what we have done, all the sins we have committed inshallah, with this dua, with this hope that Allah forgive us sadqe this month of Ramadan, is mahine ke sadqe mein, apne habib ke sadqe mein, un tamam मुकर्रब हस्तियों के सदक़े में जो उसको बहुत अज़ीज़ हैं, जिन पे वो दुरूद और सलाम भेजता है, उनके सदक़े में अल्लाह सुबहान व तआला हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए। इलाही आमीन या रब्बुल आलमीन। अपना बहुत ख्याल कीजिए एंड आई होप ऑल दीज रिमाइंडर्स हैव हेल्प्ड यू टू बिकम अ बेटर ह्यूमन, टू बिकम अ बेटर मुस्लिम एंड अ बेटर मोमिन इंशाल्लाह। एंड वील कीप ऑल दीज थिंग्स इंशाल्लाह इन आर लाइफ, द लेसन्स, द 30 लेसन्स दैट वी हैव लर्नड इन दीज 30 डेज, एंड आई होप वी कैन स्ट्राइव एंड यू नो रियली स्ट्रगल हार्ड to become and to reach there where we get the qurbat of Allah subhanahu wa ta'ala, as all our deeds are performed with this niyat ke hum ye amal karte hain qurbatan ilallah. Allah subhanahu wa ta'ala hame apni qurbat ata kare, Allah hame wo noor ata kare jo wo rakhta hai, aur Allah hamari zindagiyon ko aasan kare aur hame ye taufeeq de ke hum dusre logon ki zindagiyon ko aasan bana sake. Apna bahut khayal rakhiye और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रमज़ान रमज़ान।